तो कैसे हो आप सबका वेलकम टू डार्क नाइट और यूट्यूब चैनल आ गए आपके लिए एक और वीडियो लेके। यहाँ पे मैं खेल रहा था भाई स्क्वाड रैंडम में। मैं सोलो वर्स स्क्वाड खेलता हूँ अक्सर, लेकिन ये रैंडम में स्क्वाड लग चुका था। मैं पे पता नहीं कैसे लगा है, इसे छोड़ो यार, गेम प्ले पे फोकस करो। यहाँ पे सामने दो बंदे उतरे थे, मैं सोचा दो ही बंदे यहाँ पे आए थे, मैं लगा बहुत बंदे आ गए इसलिए मैं स्टेडियम आ गया था। अब मैं देखो मेरे टीममेट वहाँ पे भाग गए थे उन्हें मारने के लिए, मैं के लिए मेरे लूट पूरी नहीं हुई थी। मैंने कहा अब यहाँ पे बंदूक उठा के गन उठा के मैं जाता हूँ इनके पास रश पहनने के लिए। यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है, मैं इजीली इसको नॉक करता हूँ। मुझे पता था इसका टीममेट भी ऊपर है, वो आएगा ज़रूर, तो मैं उसके लिए थोड़ा वेट करता हूँ, उसे पूरा फिनिश नहीं करता। अब वो उसका टीममेट इसका आएगा सामने से, इसका टीममेट जैसे मैंने कहा था सामने से इसका टीममेट आया, मैं उसको नॉक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जो है भैया हो गया नॉक। अब मैं इनको पूरा फिनिश मारता हूँ। दो बंदे पता नहीं कहाँ इनके नशा करने नशा फूकने गए थे, दो बंदे इनके साथ ही नहीं उतरे, ये जरूर रैंडम में खेल रहे हो गए। रैंडम में बंदे यार अलग अलग ही खेलते जाते हैं, बोटों पे इनका फोकस ज़्यादा रहता है, रियल बंदों पे काफ़ी कम रहता है। मैं थोड़ी सी लूट करता हूँ यहाँ पे, मैं सोचता हूँ यहाँ पे कोई और बंदे तो नहीं, क्योंकि बहुत से बंदे स्टेडियम में आके अपार्टमेंट की तरफ छुप जाते हैं, अपार्टमेंट की तरफ भी और पीछे वाली पूल की तरफ भी बंदे कैंप करते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत बार मैं यहाँ पे इस तरीके से नॉक हो चुका हूँ। मेरे सामने एक बोट बाबा दिखते हैं, मैं बोट को जल्दी से लपेटने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि केडी भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि आजकल केडी मेंटेन हो नहीं रही क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्लियर बहुत ज़्यादा है। हर कोई फाइल लगा के खेल रहा है, यहाँ तक कि यूट्यूबर भी, बड़े बड़े यूट्यूबर भी पता नहीं कौन कौन सी फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत से कर रहे हैं, वो लगता नहीं है, कोई कहता नहीं, वो कोई कहता है तो कोई मानता नहीं, छोड़ो यार उन सब की बातों। अब मैं यहाँ पे जा गाड़ी लेके निकलता हूँ फ़ौरन। अब मैं टीममेट को बिठाने की कोशिश करता हूँ, टीममेट यहाँ पे बैठते नहीं मेरे साथ, तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। मैं आगे निकलता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप के पास आता हूँ, ड्रॉप के पास मेरे को बंदे दिखते हैं, ऊपर फुट स्टेप आ रहे थे, मतलब बंदा ऊपर, एक बंदा के फुट स्टेप ऊपर आ रहे थे, लेकिन सामने से दो बंदे और आ जाते, शायद ये इसके टीममेट हो, लेकिन ये मेरे टीममेट को नॉक कर देते और मैं को नॉक करने की कोशिश करता हूँ। ये बंदा आराम से नॉक हो जाता है, इसका सामने से टीममेट आएगा, अब मेरे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैं इसको आराम से इसीलिए नॉक कर देता हूँ। ये अलग टीम थी भाई, ऊपर जो बंदा वो अलग है। वीडियो में थोड़ी नॉइस है तो उसको इग्नोर करना। तो पर एक बंदा और था, मैं इसके पास जाता हूँ, S12 का हमेशा डर रहता है भाई कि S12 के नाम पोस्ट पे, मैं इसको नॉक करता हूँ आराम से और इसको पूरा फिनिश करता हूँ और इसकी पेटी लूटता हूँ। तो इसमें पेटी में दिखता भाई ओ S12 के, मुझे डर था इस बात का कि इससे गलती से S12 के ही नहीं लगी, ये S12 के लगा सकता लेकिन लगी नहीं इससे। मैं अपने बंदे को रिवाइव देता हूँ, लेकिन मैं बोट आ गया था। अगर मैं अपने बंदे को रिवाइव दूँ, ये साले उनसे उम्मीद नहीं करी जाती रैंडम में कि अपने को रिवाइव देंगे, ये साले भाग जाते हैं रैंडम में। अनसर्न प्लेयर आते खेलने के लिए, दो बोट सामने दिखे मेरे को, दो बोट को मैं लपेटने की कोशिश करता हूँ, मैं दो बोट, क्योंकि भाई क्या आना, मैंने अभी KD मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं बोट मारने नहीं आता, गेम प्ले पे फोकस करता हूँ, मैं रियल बंदों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि भाई रियल बंदे पे फोकस करोगे ना तो गेम ज़्यादा अच्छा बेटर चलेगा आपका। और आजकल जो भैया कॉन्फिग लगा के खेल रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिग प्लेयर हो चुके हैं और आईडी उनकी बैन नहीं होती, पता नहीं क्या खेले ये, और उनके साथ खेलने वालों की आईडी बैन हो रही है। जो कॉन्फिग लगा रहे उसकी आईडी बैन तो नहीं होती, लेकिन उसके साथ जो गेम खेलते हैं उनकी आईडी बैन हो जाती है। अब मैं यहाँ पे दो बंदे आ चुके थे, दो बंदे थे या चार बंदे थे, दो ही बंदे शायद, ये गाड़ी से उतरा में सी नॉक करता हूँ, मैं S12 के मैंने उठा ली थी। इसका टीममेट पता नहीं, समझ में नहीं आया कहाँ भाग रहा था, ये फायर मुझे मारने के बजाय ये घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह हील हो जाए, क्योंकि इसको डैमेज पड़ चुका था। मैं ऐसे थोड़ी सी लूट कंप्लीट करता हूँ अपनी, मैंने S12 को उठा ली थी क्योंकि गेम प्ले में अपना ख़राब करना नहीं चाहता बिल्कुल भी। सामने USZ दिखती है, मैं उसको फ्री फायर देता हूँ मैं थोड़ा सा। मैं गाड़ी लेके जैसे ही निकलता हूँ तो ये मेरा टीममेट बैठता नहीं, तो मैं उसे नॉक करने की कोशिश करता हूँ, मज़े लेता हूँ थोड़ा सा। इतने में भाई ये पता नहीं टीम कहाँ से आती है, आप कमेंट में ज़रूर बताना है, टीममेट कहाँ से आती है समझ में नहीं आता, ये घर के अंदर आके बैठ जाती है। ऊपर भी इसका एक बंदा था, दो बंदे हो रहे, तीन बंदे पता नहीं कहाँ से आए, ये पूरी स्क्वाड है शायद, समझ में नहीं आ रहा ये पूरी स्क्वाड कहाँ से आई समझ में नहीं आता, और ऊपर से पहले से ही एक बंदा मौजूद है।
अभी पता नहीं कैसे पहुंची, इसके फुट स्टेप भी नहीं आए, क्या माजरा समझ में नहीं आए, बंदे आए कहां से? मैं देखता हूँ नीचे, नीचे इसका एक और टीममेट होता है, मैं इसको नॉक करता हूँ। अब मैं उस बंदे को ढूंढता हूँ, वो बंदा कहाँ गया दूसरा, इनका टीममेट एक मेरा एक बंदा बाहर नॉक पड़ा था, मेरा 4 नंबर। मैं दूसरे बंदे को ढूंढता हूँ, दूसरा बंदा कहाँ गया, इसको रिवाइव दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी इस बंदे को रिवाइव देने की कोशिश कर रहा है साला, समझ रहा है कि मैं आऊँगा ही, ये भागता है, मैं इसके पीछे भागता हूँ। ये सोच रहा है मैं थोड़ी सी हील कर लूँ तो मैं फाइट ले लूँगा, लेकिन ये बंदा बेचारा नोक हो जाता है यहाँ पे। मैं लूट कंप्लीट करके यहाँ पे अब लास्ट के दो बंदे बचते हैं। सामने मेरे को एक बोट दिखता है, बोट को फिनिश करता हूँ। लास्ट का एक बंदा बचता है, वो भी शायद बोट ही होगा, लग रहा था शायद बोट ही हो या रियल बंदा भी हो सकता है, बोट ही था। लास्ट का बंदा बोट निकलता है और यहाँ पे हमारा डिनर हो जाता है। तो यहाँ पे इजीली हमारा चिकन डिनर हो जाता है। और चैनल पर अगर भाई पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ, सपोर्ट करो, छोटी सी फैमिली बना दो हमारी भी यूट्यूब की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है मेरी, क्रिएट ओपनिंग की भी वीडियो करी है मैंने, क्रिएट ओपनिंग की भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी इस चैनल पर। और चैनल वीडियो अच्छी लगी तो बस ये कहूँगा सब्सक्राइब करो, और वी वॉन्ट VGMLite ट्विटर पर जाके हैशटैग को ट्रेंड करो।